हेलो माय डियर ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट, टुडे आई एम डॉक्टर खुशी विल बी गोइंग टू टीच यू अ बेसिक एंड टफेस्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC. आई नो इट्स हाई टाइम फॉर योर बोर्ड एग्जाम, सो यू आर गेटिंग बिट टेंस. सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई विल बी गोइंग टू टीच यू इन अ वेरी इजी फॉर्मैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अवर पोर्शन. बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, फर्स्टली तो मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ उस चैप्टर का. बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डीलिंग विद द बेस ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी आर डीलिंग मेनली विद द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड. अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, तो ये क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है. केमिस्ट्री में जैसे केमिस्ट्री की भी फर्दर तीन ब्रांच होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री. उसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है, अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से स्पेसिफाई करें तो, डीलिंग विद दिस कंपाउंड्स विच आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ. क्यों? ये तो पता ही चल रहा है, ऑर्गेनिक मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कि नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है नेचुरली, ठीक है, और ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है हमारी बॉडी भी मेनली बहुत सारे परसेंटेज ऑफ अमाउंट कार्बन से बनी है. तो ठीक है, इसी बात से अपने को क्लैरिफाई हो जाता है कि ये सबसे ज़्यादा कंटेंट प्रेजेंट है हमारे एनवायरमेंट में, ठीक है. और हाँ, अगर हम कार्बन का चैप्टर पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसका बारे में डिटेल भी पता कर लेते हैं. तो अगर कार्बन का एटॉमिक वेट देखा जाए तो 12.011 समथिंग का कुछ होता है, ठीक है, जिसको हम 12 कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है. एटॉमिक नंबर जो है इसका वो है 6, ठीक है, और ये हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा मैच करता है, ठीक है. अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्मेट में लिखें, जो कि मैं आगे और अच्छे से बताऊंगी अगले चैप्टर्स में, तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम 2-4 के फॉर्मेट में, ठीक है. जो सब शेल्स वगैरह वाला टॉपिक जब मैं कवर करूँगी तब मैं और क्लेरिफाई कर दूँगी इसको, ठीक है. तो ये जो एटॉमिक नंबर 6 है, 2+4 करके ऐसे यहाँ पे अपन कंसिडर कर सकते हैं इसको, ठीक है. इसका जो सिंबल है सी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, नेम तो आप सबको ही पता है, अपना प्यारा कंपाउंड कार्बन, ठीक है. अब हम लोग अगर क्लासिफिकेशन देखें तो मेनली हमारे जो कंपाउंड से ब्रॉड वे में 2 ways में क्लासिफाई करे गए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी मैं थोड़े टाइम पहले ही डिस्क्राइब करा था कि नेचर से डील करता है, तो मींस क्या होगा, वो लिविंग सब्सटेंस वगैरह से डील करेगा. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है हमारा, जो कि लिविंग मैटर से बना है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह से, ठीक है. इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसका अपोजिट हो जाएगा, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जो नॉन लिविंग मैटर और उसके सोर्स से कंसिडर करते हैं, ठीक है, जैसे मिनरल्स वगैरह जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं ना, वो सारे इसमें आ जाएंगे. अब जो ये केमिस्ट्री का जो है ब्रांच, ठीक है मैम, वीडियो थोड़ी एडिट हो जाएगी ना, हाँ ठीक है. अच्छा, ये वाली जो स्लाइड है तो मैं थोड़ा पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि इस चैप्टर में मेनली हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स जो है कार्बन के, उससे डील करेंगे. तो क्या है, द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंसिडर करते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स. तो ये सारे डिटेल में अपन लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है. अब अगर मैं बात करूँ कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को तो यही कन्फ्यूजन होगा कि भाई डेरिवेटिव्स होते क्या हैं. हाइड्रोकार्बन तो हम समझ गए कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, थोड़ा राइटिंग देख लेना, मैं स्क्रिप्ट में पूरा प्रोवाइड कर दूंगी PDF फॉर्मेट में. हाइड्रोजन और कार्बन की जो बॉन्ड ओनली इन्हीं एटम से इन्वॉल्व करके बनती है, ओनली हाइड्रोजन और कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड हो गए. बट अगर इसका मॉडिफिकेशन फॉर्म कर दें हम, तो क्या बन जाएगा, इसके डेरिवेटिव बन जाएंगे. जैसे हम, मैं आगे के चैप्टर में जब प्रॉपर्टीज डील करेंगे कार्बन की, तो मैं बताऊंगी टेट्रावेलेंसी होती है कार्बन की, ठीक है. तो उस टेट्रावेलेंसी के अकॉर्डिंग अपन क्या समझ सकते हैं कि 4 bond बनाएगा कार्बन. तो 4 bond अगर वो 4 bond अगर ओनली हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, तब तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड. बट हमें इसका डेरिवेटिव बनाना है, तो अगर ये जो हाइड्रोजन वाला एटम है
इसको हमने किसी भी और एटम से, जैसे Cl हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन, किसी से भी और सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव फॉर्मेट में बन जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे मैंने CH और यहाँ पे इसका एक Cl ऐड कर दिया है, ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पे CH3Cl बोल सकते हैं इसको, कंडेंस फॉर्मूला में, ठीक है। तो ये बन गया हमारा डेरिवेटिव। ऐसे ही और भी डेरिवेटिव्स हम लोग एम्पल ऑफ डेरिवेटिव्स बना सकते हैं, क्योंकि कार्बन की जब आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हमको ऑलरेडी अंडरस्टूड हो जाएगा कैटिनेशन और इसके फॉर्मेट में कि वो अबंडेंट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है अपने साथ में, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टीज है कार्बन की, अब उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है वो तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये मेनली टू प्रॉपर्टीज़ जो है कार्बन की इम्पॉर्टेंट, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी और एक आगे हम पढ़ेंगे टेट्रावेलेंसी वाली, ठीक है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है, ईजी फॉर्मेट में बता देती हूँ मैं ताकि सबको अंडरस्टूड हो जाए, ठीक है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन ने एक यहाँ से बॉन्ड बना लिया, एक यहाँ से बॉन्ड बना लिया, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आगे बॉन्ड बनाते जा रहा है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, आपस में सेल्फ लिंक करते जा रहा है एटम्स को, चाहे उसके खुद के एटम्स को। तो यही जो उसकी प्रॉपर्टी है, यही क्या है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ, ये कार्बन है हमारा, ये कार्बन 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 और कार्बन बहुत सारे एंड नंबर ऑफ कार्बन्स के साथ अटैच हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ये कैटिनेशन की वजह से हो रही है, ठीक है। और इसका एग्जांपल हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते ही है, डायमंड जो होता है वो इसके कैटिनेशन प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है, ठीक है। ग्रेफाइट वगैरह ये सारे इसके कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़ के ही एग्जाम्पल है। हम देख भी सकते हैं ये वाली स्लाइड में कि कैसे ब्रांच चेन में कार्बन ने बना दिया है, लीनियर चेन बना दी है, रिंग फॉर्मेट बना दिया है, क्यों, क्योंकि इसके पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकिंग कर लेगा ये बहुत सारे इसके खुद के एटम्स के साथ अलग अलग बॉन्ड के फॉर्मेट में, ठीक है। अब जो सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं हम, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो जो टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम है वो क्या होती है, बहुत ही इजी बेसिक सी प्रॉपर्टी है कार्बन की, है द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, जो कि मैंने अब इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड में ही बताया था। तो अगर इसकी एटॉमिक नंबर 6 होती है, ठीक है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 4, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर किसी को अरेंज करते हैं तो ऐसे अरेंज करते हैं 2 और 4 के फॉर्मेट में, ठीक है, ऐसे शेल्स में हम लोग अरेंज करते हैं। तो जो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ वो क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने बचे, 4। तो मतलब हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि इसकी जो 4 है, जो अभी इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको और दूसरे एटम्स के साथ लिंक्ड करना पड़ेगा, तो और 4 एटम्स लगेंगे इसको टोटल, ठीक है। मतलब 4 एटम्स के साथ जब ये आउटर मोस्ट शेल में इसकी 4 वैलेंसी है, तो 4 एटम्स के साथ ये इलेक्ट्रॉन लिंकेज करके सिग्मा बॉन्ड बना के इसके सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। तो यही जो इसकी टेट्रावेलेंसी वाली प्रॉपर्टी है कि वो 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। जैसे मैं बताऊँ यहाँ पे, ये कार्बन है, इसने एक बॉन्ड यहाँ बना लिया, 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 तो 4 कोई से भी बॉन्ड बना सकता है, चाहे वो पूरे सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बना दे सिंगल बॉन्ड के फॉर्मेट में, चाहे वो डबल बॉन्ड के फॉर्मेट में सिग्मा प्लस फ्लाई बना दे, चाहे ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल लिया है, तो ये सेटिस्फाई कर दिया हमने कार्बन को उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। 4 हाइड्रोजन, हमने उसको पता है कि 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 4 हाइड्रोजन आइटम से लिंक कर दिया, तो ये बन गया हमारा CH4, ठीक है। इसका अगर हम आयोपिक नेमिंग आगे के चैप्टर में जब डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा हमें कि इसका नेम क्या है, मिथेन। एक बार डेफिनेशन हम रीड कर लेते हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, 6, तो इसकी वजह से हमको 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे जिसकी वजह से ये बॉन्ड बना पाएगा, ठीक है। और अभी इसका 6 एटॉमिक नंबर की वजह से स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं ऑक्यूपाई हो गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको शेयर करा के दूसरे बॉन्ड्स के साथ स्टेबल करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड्स बना सकता है, वेदर इट इज सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड,
इस फॉर्मेट में ये अपने कोवेलेंट बॉन्ड बना के कंप्लीट कर सकता है इसके ऑक्टेट। अब यहाँ पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग से फीचर्स लगा रखे हैं मैंने फनी, जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। कार्बन जो है मेनली तीन टाइप के बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। एक तो होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल लाइफ चल रही है इन लोगों की। एक हो सकता है डबल बॉन्ड, एक हो सकता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो सिंगल बॉन्ड्स को हम लोग अल्केन्स बोलते हैं, डबल बॉन्ड को हम लोग अल्कीन्स बोलते हैं, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग अल्काइन्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर कार्बन, ये कार्बन है, अगर ये एक बस एक ही हाथ से अगर बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन के साथ तो क्या हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड। और अगर यहीं पे अगर ये डबल बॉन्ड के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा अल्कीन्स का डबल बॉन्ड। और वही अगर अपन ये तीन बॉन्ड बना के ये कार्बन किसी के साथ लिंक कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहा है, अब इसका जो जनरल फॉर्मूला है अल्केन्स का वो क्या होता है, CnH2n+2। अल्कीन्स का जो होता है वो CnH2n, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस टू कहाँ गया, क्योंकि अब डबल बॉन्ड बना दिया इसी के फॉर्मेट में एक और, तो ऑब्वियस सी बात है कि दो हाइड्रोजन तो कम करने पड़ेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड वो बना रहा है, तो मतलब जो कार्बन है वो अपने ही एटम के साथ दो बॉन्ड तो ऑलरेडी बना दे रहा है, ठीक है, दो बॉन्ड तो इसने बना दिया, तो ऑब्वियस सी बात है अपने को क्या पता है कि चार बॉन्ड बना सकता है एक कार्बन मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही हाइड्रोजन लग पाएंगे ओनली, यहाँ पे भी दो ही लग पाएंगे ओनली, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसका फॉर्मूला CnH2n है, ठीक है। किसी भी एग्जांपल पे ट्राई कर सकते हो, वैलिड सब पे है ये, ठीक है। अब अल्काइन्स की बात करते हैं, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यहाँ पे 2n था, यहाँ पे और 2 हो गया माइनस, क्यों, क्योंकि अब इसने कार्बन ने तीन बॉन्ड बना लिए उसके खुद के साथ। अगर तीन बॉन्ड बना लिए तो टोटल अगर एक कार्बन एटम चार ही बॉन्ड बना सकता है, तो ये वाले कार्बन एटम ने तीन तो इसके साथ ही बना लिए, तो बस एक ही बचा दूसरे के साथ बनाने के लिए हाइड्रोजन, ठीक है। इसके पास भी सेम रूल है, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल गया है कि ये जो फॉर्मूला है ये क्या बनता है, C2H2। और ये फॉर्मूला अप्लाई करके देख लो इस नंबर पे, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो C2 और H2n जो है हमारा एच भी 2 बन जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हमको पता चल जाएगा सारे एप्लीकेबल हैं, ठीक है। अब जो है बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कार्बन के ऊपर कि ये हाइब्रिडाइजेशन बनता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये क्या होता है, अब देखो यहाँ पे तो बहुत कॉम्प्लेक्स सी डेफिनेशन बता रखी है, मैं सिंपल फॉर्मेट में आपको बता देती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है। अगर हमारे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो आपस में इंटरमिक्स करके कोई नया टाइप का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, वो जो हमारी प्रॉपर्टी है इस दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके एक अच्छा सा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मॉडिफाइड फॉर्मेट में बना के, तो ये क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। यही प्रोसेस जो होती है वो हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये जो पॉइंट है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेटर आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, कॉमन सेंस की बात है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे उतने ही तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे ना, ठीक है। तो ये पॉइंट तो समझ आ रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब जो ये हाइब्रिडाइजेशन है वो भी टोटल तीन टाइप्स का होता है, ठीक है, एक होता है sp3, sp2 और sp, ठीक है। अब ये जो है कौन से बॉन्ड इसमें इंक्लूड होते हैं, क्या एंगल है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है। अब सैचुरेटेड मतलब ऑलरेडी सब चीज़ से सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कौन से वाले आ जाएंगे, हमारे सिंगल बॉन्ड वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो जो sp3 है वो ओनली सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बना के देगा, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के बता देती हूँ कि जो sp3 वाला जो है ना सिंगल बॉन्ड बनाएगा और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। अब मैं विजुअलाइज कराने के लिए प्रॉपर पेन से थोड़ा बता देती हूँ, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है रियलिटी में sp3 का, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और इसका जो एंगल होता है हमारा वो क्या होता है 109.5 डिग्री, ठीक है।
तो जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उसका हमारा 109.5 डिग्री का एंगल होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एक तो प्लेन में होता है, एक आउटसाइड द प्लेन होता है और एक इनसाइड द प्लेन होता है और एक अबाउ द प्लेन होता है। ऐसे करके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कार्बन का sp3 फॉर्मेट में अरेंज होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये विजुअलाइज फॉर्मेट में आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जो दूसरा टाइप है हमारा वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड आती है सारी। ठीक है, डबल बॉन्ड आती है। अब डबल बॉन्ड आ गई तो क्या मतलब है, अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो sp2 और sp दोनों ही अनसैचुरेटेड वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिंकिंग डबल बॉन्ड से होगी। ठीक है, और जो इसका शेप है sp2 का वो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, और जो इसका एंगल बनता है आइडियली वो कितना बनता है, 120 डिग्री। और ये एंगल मैं कहाँ बता रही हूँ, जो ये देखो ये जो एटम है इनके जो बीच का एंगल है जहाँ पे ये लाइंड अप हो रहे, ये जो एंगल है यहाँ पे ये बनता है 120 डिग्री का। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ मैं थोड़ा। ठीक है, ये एंगल बन रहा है हमारा 120 डिग्री का। ठीक है, अब sp वाला जो स्ट्रक्चर है, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, तो क्या बचा, ट्रिपल बॉन्ड। तो sp वाले किससे बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड से बनेंगे। ठीक है, ये भी अनसैचुरेटेड है, मैंने बताया ही था, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही किस में आते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में आते हैं। ठीक है, इसका जो शेप होता है हमारे sp वाले का, वो भाई साहब कैसे होते हैं, वो भाई साहब लीनियर शेप के होते हैं। मतलब मैं अगर बात करूं तो वो ऐसे होते हैं। ठीक है, और इनका एंगल, अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा होता है लाइन के फॉर्मेट में तो उनका एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये ऐसा 180 डिग्री का एंगल बना के दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो कम्प्लीट होता है। ठीक है, सो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू क्लियर योर ऑर्गेनिक कंसेप्ट। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन द बेस्ट एंड बेस्ट आई ट्राइड माई बेस्ट वे टू एक्सप्लेन यू जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन अ मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्मैट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी क्लियरली। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, IUPAC नेमिंग एंड आइसोमेरिज्म एंड इट्स इफेक्ट। सो मोस्टली वी आर गोइंग टू कवर होल द चैप्टर इन दैट क्लासेस बाय शिखरम। ओके, सो से ट्यून विथ अवर चैनल। थैंक यू गाइज।